अच्छा तुम्हारे साथ ही हुआ था करियर के शुरू में? मुझे याद है जब मैंने शुरू किया था तो मैंने जो पहले एक दो रोल किए थे बिल्कुल लूजर टाइप के, किसी को याद भी नहीं, लेकिन वो बहुत मजाकिया फनी नेचुरल टाइप के थे यार। तो मुझे फिर ये डर लगता था कि मुझे कोई सीरियसली नहीं लेगा एज एन एक्टर, क्योंकि मैं रोई नहीं हूँ बिल्कुल। और फिर जब रोना शुरू हुआ तो उसका रुका तो वो भाई एंड ही नहीं था कुछ रोने का। तो डिड यू एवर फील दैट जब शुरू कर रही थी कि सीरियसली लिया जाएगा अगर तुम बड़े सीरियस किस्म के रोल करोगी? रोना इज लाइक एंड व्हिच इज सो रॉन्ग, व्हिच इज सो अब जाके लगता है कि हम कितने बेवकूफ हैं। बहुत बहुत गलत है। रोना इज नॉट, शुड नॉट बी द क्राइटेरिया कि आप अच्छा एक्टर बन सकते हैं या नहीं। था मेरा पहले ड्रामे का पहला सीन, मुझे कब्रिस्तान में बिठा दिया मरीना खान के घर के पीछे और मैं सोच रही हूँ मरीना को आवाज दूं या यहाँ आवाज दूं। और बहुत हॉरेंडस आई वाज, मतलब मुझे था मैं नहीं कर सकती है। हमें सोचे कब्रिस्तान में बैठ के किसी रैंडम पर्सन की कब्र पे ऊपर बैठ के मुझे हिचकियों से रोना और प्रिटेंड करना, ये मेरा लवा था। लवा था तो ग्लिसरीन इस्तेमाल करना पड़ा कि नहीं? हाँ, पहले दिन तो उन्होंने विक्स चूज दिया। So, 10 मिनट तक तो मैं अपनी आंखें नहीं खोल सकी। तो वो डायरेक्टर कह रहे हैं आपने क्या किया, आप रो नहीं सकती। मैं कहा नहीं सर, मैं ऐसे ही नहीं रो सकती, आई एम हैविंग अ वंडरफुल डे। तो कहते हैं अच्छा ग्लिसरीन ट्राई करें। आफ्टर 10 मिनट्स दे ट्राइड ग्लिसरीन इन माय आईज, सब सूख गया था अंदर से। तो कुछ नहीं हुआ, रैप हो गया वो, मतलब आधा पौना घंटा वी हैड टू जस्ट सिट सो दैट माय आईज कुड गेट वॉटर अगेन। बिल्कुल, बहुत बुरा, बहुत बुरा। बट किया, फिर जब अंडरस्टैंड किया कि एक्टिंग क्या होती है, तो इतना रोए कि घर जाके डिप्रेशन कैरी किया और अपने को एक्टर को फोन किया कि ओ माय गॉड ये बंदी कैसे कर सकती है ये। एंड दिस वाज अदील हुसैन एंड मताए जान। यस यस। तो फिर मैं सोची ये कैसे कर सकती है, ये कैसे हो सकता है। अदील लाइक रिलैक्स, स्नैप आउट ऑफ इट, ब्रीथ। तो ये भी हुआ है, तो वो रोना घर तक ले जाता है। फिर मैंने सीखा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सो आई कुड स्नैप, तभी योगा, सो आई कुड स्नैप आउट ऑफ इट, वरना मैं डेज इन यू नो, बहुत बहुत सैड थे।